सर, मैं लक्ष्मण, सीएनबीसी आवाज से। मेरा सवाल ये है कि जो फेम पॉलिसी थी, फेम 1 फेम 2, उसकी जगह अब हम लोग पीएम ई ड्राइव लाए हैं, तो नाम नाम बदलने के पीछे मकसद क्या है? दूसरा, इसमें कारों को शामिल नहीं किया गया, इसके पीछे कुछ खास वजह? फेम 1 और फेम 2 बहुत सक्सेसफुल रही। उससे जो सीख के, उससे जो एक्सपीरियंस से जितना कुछ अनुभव हुआ, उस अनुभव के आधार पे एक नई स्कीम बनाई गई है, पीएम ई ड्राइव। पीएम ई ड्राइव में कई अच्छे इनोवेशंस किए गए हैं, जैसे हाइब्रिड भी अलाउ किया गया है, साथ ही 4 व्हीलर्स केवल एम्बुलेंस ही है ना, केवल एम्बुलेंस है या कार्स इंक्लूडेड? केवल एम्बुलेंस है, यानी कार के लिए अलग से इसमें प्रोविजन नहीं है, इसमें कार के लिए प्रोविजन नहीं है, कंफर्म कर रहे हैं हमारे साथी अधिकारी। और कई जगह जैसे पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने का भी इसमें प्रोविजन लिया गया है। और साथ ही साथ आपने देखा फेम में एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस लाने की जरूरत थी। जो इंडस्ट्री से इनपुट आता था, वो बार बार ये फीडबैक आता था कि आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना ही फोकस कीजिए जितना इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे। इसीलिए इस प्रोग्राम में, ई ड्राइव में, इन सबको साथ लेते हुए फोकस के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बने, साथ ही साथ ट्रकिंग इंडस्ट्री को भी इसमें इंक्लूड किया जाए, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, एम्बुलेंसेज, इन सबका इसमें ध्यान रखा गया। आपके साथ डिटेल MHI की तरफ से बताएंगे।